हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेलेब्स की जिन्होंने बॉलीवुड में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना किया है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन हम में से कितने लोग इसका पालन करते हैं? या तो हम सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, या हम सही बात के लिए खड़े होने की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने सच बोलने की हिम्मत की, जिसमें से पहले नंबर पर है इलियाना डी क्रूज़। बता दें कि इलियाना डी क्रूज़ ने खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काफ़ी हद तक मौजूद है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी फिल्म पाने के लिए अपने को स्टार के साथ इंटीमेट सीन देने को कहा गया था, पर उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया था। वो काफ़ी प्रतिभाशाली है और एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी है, और वो एक बेहतरीन फिल्म पाने का कारण खुद ही बनना चाहती है, ना कि इन सब के जरिए। नेक्स्ट है तापसी पन्नू। पिंक एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कुछ एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, केवल इसलिए कि वो एक ए लिस्ट एक्ट्रेस नहीं थी। सोर्सेस की माने तो उनको एक मूवी के लिए साइन किया गया था, पर उनको रिप्लेस कर दिया गया था, और ये बात उनको एक कॉल पर बताई गई थी। वो अपना बैड लक मानती है कि उनकी फर्स्ट 3 फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई। बता दें कि उनकी मूवी पिंक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, पर उसके पे के लिए भी तापसी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। नेक्स्ट है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने खुलकर नेपोटिज्म के बारे में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में बात की। कंगना ने बताया कि आउटसाइडर्स को इस इंडस्ट्री में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमेशा स्टार किड्स को ही सारी प्रायोरिटीज मिलती है। और बाद में कंगना ने इस बारे में भी बताया कि कैसे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को मजाक बनाया गया था कॉफी विद करण में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहिए मायापुरी कट।